दोस्तों नमस्कार, स्वागत करता हूँ आप सबका विवेकानंदा इंग्लिश केंद्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों से बहुत ही बेहतरीन मोटिवेशनल बातें करने जा रहा हूँ। दोस्तों आप सबको बता दूँ कि आप लोग फेलियर से क्यों डरते हैं। फेलियर भी तो मेहनत करके लोगों को मिलता है, बिना मेहनत का असफलता भी लोगों को नहीं मिलता है। असफलता प्राप्त करने के लिए भी मेहनत करना पड़ता है, तब जाकर के असफलता मिलता है। इसलिए आप असफलता से मत डरिए। असफलता और सफलता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कोई ऐसा है जो कि बिना मेहनत का असफलता प्राप्त किया है? हर एक व्यक्ति जो असफल हुआ है कुछ न कुछ मेहनत किया है, और प्रत्येक असफल व्यक्ति के पास बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है। इसलिए असफल व्यक्ति का दर्जा सफल व्यक्ति से भी ऊपर होता है। इसलिए आपका कुछ भी सपना हो, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, एनडीए हो, नीट हो, आईआईटी, जेईई मेंस एडवांस हो, या कोई भी स्टेट पीसीएस एग्जाम हो, आप असफलता से मत डरो। असफलता भी मेहनत से प्राप्त होता है, और असफल व्यक्ति बहुत ही अनुभवी होता है। इसलिए आप अनुभवी बनो, असफल बनो, एक ना एक दिन सफलता जरूर आपके कदम चूमेगी। इसलिए दोस्तों असफलता से मत डरो। जो कोई भी एग्जाम आपके सामने आए, तुरंत उसका फॉर्म फिलअप करो और जुट जाओ उसकी तैयारी में, और तैयारी करके एग्जाम दो। फल की चिंता मत करो, जैसा कि गीता में भगवान श्री कृष्ण कहा है, कर्मण्येव वाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, तुम केवल कर्म करो, फल देने वाला तो मैं हूँ। इसलिए असफल होने से मत डरो। कोई भी एग्जाम हो उसका फॉर्म फिलअप करो और उसकी तैयारी करो, एग्जाम अटेंड करो। आप सफल हो या असफल, ये तो आपका मेहनत और आपका लक और आपका संजोग ये बताएगा। इसलिए असफलता से मत डरो, और असफल व्यक्ति बहुत ही महान होते हैं, क्योंकि असफलता भी बिना मेहनत का नहीं मिलता है। जो मेहनत ही नहीं किया वो न तो सफल है न असफल है। इसलिए सफल और असफल दोनों व्यक्ति का दर्जा ऊंचा होता है, और कुछ नहीं करने वाले का दर्जा बहुत नीचा होता है। कहा भी गया है कि यदि हम मेहनत करके असफल भी हो जाते हैं तो हमारे अंदर जो गम होता है, जो कसक होता है, वो नहीं होता है। कहता है कि मैंने मेहनत करके असफलता को प्राप्त किया है। इसलिए असफल होने से मत डरिए। आज के मोटिवेशनल वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में फिर से एक बहुत ही बेहतरीन मोटिवेशनल थॉट लेकर आऊँगा। तब तक के लिए देखते रहिए विवेकानंदा इंग्लिश केंद्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आप यदि नए हैं तो चैनल